बंगाल के खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। इसके पास ही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय गंगानगर, हिसार, आगरा, वाराणसी, रांची और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र तक बनी हुई है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती सिस्टम गुजरात पर दिखाई दे रहा है। अगले 24 घंटों की बात करें तो ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तेलंगाना, दिल्ली NCR, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं बात करें कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है।